नमस्ते, मैं हूँ अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एमआरयू इंडिया टीवी। आज हम बताएंगे कि अब मोदी के मंच पर केशव और योगी के बीच में कुछ हुआ था। क्या मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तनातनी हुई थी? यह तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिनमें दोनों में खींचा तानी हो रही है आपस में, पहली बार जब दोनों की खींचा तानी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। ये तस्वीर उस दिन की है। अब उस दिन कई सवालों के साथ ये वायरल हो रही है। उस दिन से वायरल तस्वीर को इसलिए झुठलाया नहीं जा सकता है क्योंकि कैमरे में कैद हुआ है, तो बहुत गौर से देखने पर पता चलता है कि मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचातानी हुई और दोनों में मुझे दो वाली बात हुई। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी घटना कैमरे में कैद होती है। आप ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उद्घोषक ने माइक पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। इसके बाद मंच पर खींचातानी शुरू होगी। अब वस्त्र के लिए सिर्फ योगी का ही नाम लिया गया। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति भेंट करने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम लिया गया। बस यहीं से आपको गौर से देखने की जरूरत है दर्शकों, मूर्ति लाए हैं योगी आदित्यनाथ और लेकर जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, या यूं कहें कि योगी के हाथों से छीन कर ले जाएंगे केशव प्रसाद। अब मूर्ति का एक हिस्सा योगी के हाथ में है और दूसरा हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में। जैसे मूर्ति भेंट की प्रक्रिया पूरी होती है तो मूर्ति को लेकर दोनों में खींचातानी शुरू हो जाती है। हम तस्वीर को थोड़ा स्लो करके दिखाते हैं। डायरेक्टर साहब, थोड़ा स्लो करके दिखाइए। पहली बार जब योगी ने मूर्ति नहीं छोड़ी तो केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरी तरफ खींचा और योगी आदित्यनाथ इशारों में कहते हैं कि मुझे लेने दो। तस्वीर को देखकर साफ लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर, या यूं कहें कि मोदी के सामने ही दोनों नेताओं में खींचातानी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों नेता अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन हमने कुछ और भी तस्वीर देखी है जिसमें पीएम मोदी को योगी आदित्यनाथ हमेशा कृष्ण जी की मूर्ति भेंट करते हैं और हमेशा उसे वो अपने साथ ले जाते हैं, और इस बार योगी के हाथ से केशव प्रसाद मौर्य ने मूर्ति खींच ली। मूर्ति खींचने के दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य की ढेरों कहानी है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कैमरे पर साफ साफ देखने को मिला है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी का सम्मान नहीं करना चाहते। वैसे यह महत्वाकांक्षा जरूर बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने ही सीएम की बात ना सुनना, यह पता चलता है। दरअसल केशव के समर्थक को ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से नहीं आई तो गठबंधन की सरकार में केशव बाजी मार सकते हैं। केशव को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी का हाथ उठाया तो फिर मेरा भी उठाया, फिर कहां 1920 का फर्क। बीजेपी ने वक्त रहते अगर दोनों नेताओं को नहीं समझाया तो बीजेपी में आने वाले चुनाव में भारी नुकसान सहना होगा। एमआरयू इंडिया टीवी ब्यूरो।